खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे में 3 छात्रों की मौत हो गई। शनिवार को भारी बारिश के बाद कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में जहां एक लाइब्रेरी थी वहां पर पानी भर गया और इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र फंस गए। इस हादसे में 2 छात्रा और 1 छात्र की मौत हुई है। हालांकि मौके पर NDRF और दमकल की टीम पहुंची और बाकी फंसे हुए छात्रों को बाहर निकाल लिया गया। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से दर्दनाक हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि बेसमेंट के अंदर हादसे के दौरान कई बच्चे थे जो कि IAS की तैयारी कर रहे थे। अपडेट्स हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं, लेकिन यह हादसा जो राजेंद्र नगर में हुआ है कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जलभराव जैसी स्थिति और यहाँ पे जो नाला ओवरफ्लो हो रहा था, पानी का लेवल बढ़ रहा था, इसकी शिकायत पहले ही भी प्रशासन को दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं हुई और एकदम से ये पानी जैसे ही बेसमेंट की तरफ बढ़ने लगा और बेसमेंट में भरने लगा, उसके बाद वहाँ मौत का ये कोचिंग सेंटर बनता हुआ नजर आया जो पहले पढ़ाई का कोचिंग सेंटर हुआ करता था। ऐसे में अब मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश जरूर दिए गए हैं कि जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी, वो बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन ये सिर्फ लापरवाही नहीं, ये नज़रअंदाजगी भी है, क्योंकि मानसून का सीजन है और इस वक्त में जलभराव और वाटर लॉगिंग जैसी समस्या पूरे दिल्ली में देखने को मिल रही है और इसी वजह से बार बार ये सवाल उठाया जा रहा है कि नालों की सफाई क्यों नहीं की जा रही प्रॉपरली, उन पॉइंट्स को जो हॉट पॉइंट्स है उनको क्यों नहीं देखा जा रहा है, वहाँ पर काम करवाया जा रहा है ताकि ये जलभराव जैसी स्थिति ना हो। फिर वह चाहे MCD का काम हो, PWD का काम हो या NDMC का काम हो, सवाल सबके कामों पे खड़े होते हैं, क्योंकि प्रशासन और सरकार दावे हजार करता है लेकिन धरातल पर क्या स्थिति है, क्या रियलिटी है, क्या तैयारी है प्रशासन की, वो नज़र आ रही है, साफ तौर पर नज़र आ रही है। यह हादसा तो कोचिंग सेंटर में पानी भरने की वजह से हुआ है, इससे पहले जलभराव में करंट लगने की वजह से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ऐसे में देखिए कोचिंग सेंटर में इस हादसे में 3 बच्चों की मौत हो गई है और DCP की तरफ से क्या जानकारी दी गई है वो भी जरा आपको सुनाते हैं। ड्राइवर्स की टीम में टोटल अब तक 3 बॉडीज हैव बीन रिकवर्ड, 2 फीमेल बॉडीज एंड 1 मेल बॉडी। उनको फर्दर लीगल एक्शन के लिए हमने पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया है। यहाँ पे कंटिन्यूसली वाटर को पंप आउट करने की काम जारी है, अभी एक फाइनल राउंड ऑफ सर्च बाकी है। काफी हद तक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन काफी हद तक कंक्लूजन की तरफ चल पड़ा है और जो लास्ट एक मैनुअल सर्च एक होना है, एक लास्ट राउंड सर्च होना है, वो अभी कुछ देर में शुरू होगा जब थोड़ा और पानी पंप आउट हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे फंसे हुए थे उनको हमने रेस्क्यू भी किया है। 3 स्टूडेंट्स हैव बीन सेंट टू हॉस्पिटल, दे आर फाइन, उनको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए हॉस्पिटल भेजा है। दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और 3 छात्रों की दर्दनाक मौत पर गुस्सा फूट चुका है। कोचिंग सेंटर्स के बाहर छात्र बैठे हुए हैं, हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर में ये बड़ा हादसा हुआ जिसमें बेसमेंट में पानी भरने की वजह से 3 छात्रों की मौत हो गई है। 2 छात्राएँ हैं उसमें, 1 छात्र है और हमारे सहयोगी संजय वर्मा भी दिल्ली से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। हम संजय का सीधे रुख करेंगे, उनकी रिपोर्ट सुबह से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह की स्थिति थी, किस तरह से रेस्क्यू किया गया। संजय अब हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। संजय जरा अपडेट दीजिए वहां से। अभी फिलहाल हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि बैरिगेटिंग वगैरह की गई है, क्या स्थिति है वहां पे अभी? देखिए मैं जिस यहाँ पर कल ये हादसा हुआ था ये वही कोचिंग सेंटर है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर इस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट के अंदर लाइब्रेरी थी जिसके अंदर 30 से 35 जो स्टूडेंट थे वो उस समय पढ़ाई कर रहे थे। अचानक जिस तरह से जल भरा हुआ बारिश हुई और पूरा पानी जब बेसमेंट के अंदर गया तो वो छात्र फंस गए, बड़ी मुश्किल से कुछ छात्र निकले, लेकिन ये बताया जा रहा है कि अभी तक 3 छात्रों की मौत हो चुकी है। सबसे बड़ी बात है इसको लेकर कहीं ना कहीं छात्रों में काफी आक्रोश है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बकायदा पुलिस बल तैनात है और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर यह है कि छात्र लगातार नाराज है, क्योंकि उनका कहना है कि प्रशासन को लगातार वो इस तरह की घटना की जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ की जल भराव होता है और जल भराव की वजह से कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन पिछले साल भी यही जो व्यवस्था थी और इसी के चलते कहीं ना कहीं जो लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। छात्र हैं यहाँ पर, कुछ छात्रों से बात करते हैं हम यहाँ पर, कोशिश करेंगे। सर ये बताइए कि जिस तरह की कल घटना हुई है इसको लेकर क्या कहेंगे आप लोग? जी सर, इसमें पूरी MCD की और दिल्ली सरकार की इनकी गलती है।
इन्होंने क्या कर रहे हैं, में अगर कोई होती है कोचिंग या लाइब्रेरी या क्लास वगैरह होती है तो उसके लिए क्या रूल है, एक एग्जिट होना चाहिए और एक एंट्री का होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जितनी भी आप पूरी रो में जितनी भी लाइब्रेरी या देखोगे क्लासेस देखोगे नीचे बेसमेंट में, उनमें केवल एक है एग्जिट एंट्री दोनों के लिए, और सब में स्ट्रेंथ होगी 100-150 के आसपास, तो बच्चे रहते हैं उनमें। और ऐसी घटना जैसे इसमें हुई है पानी की, इसमें सीवरेज की टूटने से, और कोचिंगों में भी इसमें भी हो सकती है लाइब्रेरी में। तो अक्सर यहाँ पर जिस तरह से कहा जा रहा है कि पिछले साल भी पानी भरता था, कई बार शिकायत करी प्रशासन, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। नहीं सर, कुछ ही सुनवाई नहीं हुई। अभी सर 2 दिन पहले की बात है, बारिश हुई है, केवल आधे 1 घंटे बारिश में यहाँ तक पानी भर जाता है इसमें। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर जो स्थिति है वो काफी है, और इसको लेकर कहीं ना कहीं छात्र बहुत नाराज है, क्योंकि लगातार प्रशासन के को लगातार वो कह रहे हैं कि इसके पीछे कहीं ना कहीं जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो एमसीडी की बनती थी, क्योंकि एमसीडी ने समय रहते यहाँ पे पानी की समस्या का समाधान नहीं किया, जो दल भरा था और भी बहुत सारे। सर ये बताइए कि जब कल जो हादसा हुआ है, दुखद हादसा हुआ, उसको लेकर क्या कहेंगे, किसकी जिम्मेदारी बनती है? सर नेग्लिजेंस यहाँ पे एक स्टेज पे नहीं हुआ है, स्टार्टिंग से देखा जाए तो हाई कोर्ट का एकदम क्लियर वर्डिक्ट था कि अगर आप अंडरग्राउंड में कोई भी कमर्शियल, जहाँ पे कमर्शियल काम करते हो, जहाँ पे सोशल गैदरिंग हो, तो आप एक एंट्री गेट, एग्जिट गेट और एक इमरजेंसी का भी प्रोविजन, इमरजेंसी गेट का प्रोविजन होना चाहिए, लेकिन यहाँ फॉलो नहीं किया जाता। तो इनको एनओसी कौन देता है? कोई अथॉरिटी देती होगी, एमसीडी देती होगी, वहां पे नेग्लिजेंस हुआ। और सीवर, यहाँ का सीवर मतलब यहाँ ड्रेनेज सिस्टम भी अक्सर यहाँ पानी लग जाता है, जबकि काफी पॉश इलाका, हाई टैक्स इलाका है, यहाँ पे स्टूडेंट काफी रेंट पे करते हैं, हमारा मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कमर्शियल के लेवल का आता है, तो वही हर जगह कैजुअलिटी है कहा जाए तो। क्या ये है, कोई डिजास्टर नहीं है, नेग्लिजेंस है टोटली, जिसको सफर कर रहे हैं मिडिल क्लास का स्टूडेंट। बिल्कुल देखिए, सफर कर रहा है मिडिल क्लास का स्टूडेंट, जो हादसा हुआ काफी दुखद था, और भी स्टूडेंट हमारे साथ है, क्योंकि उनमें काफी इस बात को लेकर आक्रोश है कि समय रहते प्रशासन ने कोई कार्रवाई की, और इस तरह की जो नेग्लिजेंस सीधी सीधी लापरवाही कि सीधी सीधी लापरवाही। सर बताइए कि जिस तरह से ये घटना हुई है, बड़ी दुखद घटना है, 3 छात्रों की मौत हुई है, वो आईएएस की तैयारी कर रहे थे, क्या लगता है इसके पीछे आखिर वजह क्या रही और कौन दोषी है इसको? सर इसमें सबसे बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो तो एमसीडी की बनती है, और ऊपर से बनती है जो कोचिंग इंस्टीट्यूट की है। एमसीडी की इसलिए बनती है क्योंकि यहाँ हर साल, ऐसा नहीं कि पहली बार जो है पानी भरा है, यहाँ हर साल पानी भरता है, यहाँ 10 मिनट बारिश हो जाएगी, यहाँ 4-4 फुट पानी भर जाएगा। इन एमसीडी का कोई ध्यान नहीं है इसके ऊपर, दिल्ली सरकार का कोई ध्यान नहीं है, ब्लेम गेम की पॉलिटिक्स चल रही है, वो शुरू से चलती आ रही है और वो अभी भी चल रही है। अभी 4 दिन पहले पटेल नगर में बच्चे की करंट मिलने से मृत्यु हुई थी, वो मेंस लिखने वाला था बट अल्टीमेटली वो मर रहा है, और उसकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ने नहीं ली है, और ये ऐसा ही चलता रहा। कोचिंग इंडस्ट्रीज को सिर्फ पैसे से मतलब है, उनको एक बार फीस दे दो, 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए इनकी फीस है, मिडिल क्लास का जो फैमिली है वो मुश्किल से फीस देती है, अल्टीमेटली फीस दे दीजिए, उसके बाद कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यहाँ भी जैसे कल हुआ, यहाँ पानी जैसे भरा, कोई ऑप्शन नहीं था बच्चों के पास निकलने का, पानी जैसे घुसा वो ऑन द स्पॉट लाइक काफी जो नंबर 3 दिया जा रहा है, लेकिन नंबर जो है ज्यादा है, वो अभी ऑफिशियल नंबर नहीं बताया। आप ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि और ज्यादा भी है, हमारे जो हॉस्पिटल से जो हमें पता चल रहा है वो आ रही है रेंज 8 से 10 बच्चों की आ रही है, एंड 15 से जो 20 बच्चे हैं वो अभी क्रिटिकल है, तो हमें जो ऐसा पता चल रहा है, लेकिन जो पुलिस वाले हमें सिर्फ 3 बता रहे हैं, बट अल्टीमेटली जो हॉस्पिटल से कन्फर्म हुआ है अभी हमारे ओर से, वो 8 से 10 बच्चों का आ रहा है, लेकिन वो वहाँ एडमिट है अभी। एक्चुअली 8 से 10 बच्चे वो रात ही मर चुके थे, उनको अटेंड करने वाला भी कोई नहीं था, जो एक डिसीज के रिलेटिव थे उनसे हमारी बात हुई थी और वो खुद हॉस्पिटल में विजिट कर रहे थे। 8 बच्चे लाइक उस टाइम मर चुके थे और उसकी उनको कोई अटेंड करने वाला नहीं था, और जो बाकी बच्चे थे वो क्रिटिकल थे, तो लेकिन जो नंबर है वो एक्जेक्टली बताया नहीं जा रहा जो रियल नंबर है। बिल्कुल देखिए, यहाँ के छात्र जो है उनमें काफी इस बात को लेकर आक्रोश है कि जो यहाँ के जो कोचिंग सेंटर के मालिक है उनकी भी लापरवाही सामने आई, और साथ साथ जो है प्रशासन की लापरवाही भी साथ में आई है, तो इनका इनको लेकर ही इनको इनको बहुत सारा आक्रोश, और इसी को लेकर जो छात्र हैं वो लगातार यहाँ पे विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं प्रशासन के खिलाफ, एमसीडी के खिलाफ लगातार वो नारेबाजी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इसी के चलते कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं भारी संख्या में, दिल्ली पुलिस के अलावा जो अर्धसैनिक बल है उनको लगाया गया है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी क्योंकि जिस तरह से छात्रों के अंदर नाराजगी है वो काफी अपने आप में दिखाई देती है कि नाराजगी किस तरह की है, और छात्रों ने एक चौंकाने वाला किया कि शायद हो सकता है कि ये संख्या बढ़े, लेकिन अभी तक आधिकारिक रूप से हमें जानकारी मिली है उसमें 3 छात्रों की मौत हुई है, जिसमें 2 फीमेल है 1 मेल है। जी बिल्कुल संजय, और उनकी नाराजगी एकदम वाजिब है,
जो नाराजगी वो व्यक्त कर रहे हैं, शिकायत की प्रशासन से, कोई ध्यान नहीं, लापरवाही, नेग्लिजेंस, हादसे का नाम नहीं दिया जा सकता ऐसे कि कोई डिजास्टर हो गया है, नेग्लिजेंस ही है प्रॉपर। अगर ये प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि कोई ड्रेनेज फटा है कहीं पर, तो ये भी उनकी ही नजरअंदाजगी है, क्योंकि मेंटेनेंस का काम भी उन्हीं का है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी नजरअंदाजगी जिसकी वजह से यहाँ छात्रों को ये सब कुछ भुगतना इधर पड़ रहा है। तो फिलहाल जैसा वो बता भी रहे थे, वो छात्र वहां पर जो मौजूद थे अस्पताल में, जो छात्र उनकी स्थिति किस तरह की बताई जा रही है, संजय आपको जो अपडेट्स मिल रही है आप वो हम तक पहुंचाते जाइए। बिल्कुल, देखिए जो हॉस्पिटल में छात्र, उनकी छात्रों के मुताबिक उनकी भी क्रिटिकल हालत है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो चौंकाने वाला छात्रों ने खुलासा किया, हालांकि आधिकारिक रूप से जो अभी पुष्टि हुई है, तीन छात्रों की पुष्टि हुई है मौत की, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से कहा जा रहा है, क्योंकि अभी चल रहा जिस तरह से जांच चल रही है, जो हॉस्पिटल के अंदर की हालत भी बताई जा रही है क्रिटिकल है। कुछ छात्रों का, क्योंकि ये सर्च ऑपरेशन बाद में ही पता चलेगा कि कितने कितने लोग अंदर थे, कुछ क्या मिसिंग तो नहीं है, और मिसिंग होने के बाद सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जिस तरह से छात्रों में नाराजगी, उनका साथ देखना चाहता है प्रशासन के साथ साथ कोचिंग सेंटर के माध्यम। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि यहाँ पे एक कोचिंग सेंटर नहीं, बहुत सारे कोचिंग सेंटर है जिसमें इस तरह के बेसमेंट बनाएगा और इनलीगल रूप से पूरी तरह से यहाँ पर इस तरह के कारोबार काम होता है, और इसको इनको एनओसी कौन देता है, प्रशासन की तरफ से कहीं ना कहीं है। देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, स्वाति मालीवाल जी है, स्वाति जी लाइव, एक मिनट, स्वाति जी वहाँ पहुंची है, लेकिन आप स्वाति मालीवाल जो है वो यहाँ पर पहुंच गई है, और क्योंकि छात्रों के बीच पहुंची है स्वाति मालीवाल, उनको वहां पे पहुंचे, तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए एक राजनीतिक रूप भी लेगा, आरोप प्रत्यारोप भी लेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिम्मेदारी आखिर अब किसकी तय होगी, क्योंकि लगातार जिस तरह से हादसे होते हैं, हादसों के बाद कहीं ना कहीं इस तरह का एक कहा जाता है कि हमने इसके लिए जांच के आदेश देते हैं, लेकिन जांच होती है उसके बाद कुछ समय के बाद फिर वही लीपापोती की जाती है आखिर, क्योंकि एनओसी कैसे मिली, एमसीडी की भी बड़ी लापरवाही है, पानी कैसे भरता जल भरा, और दूसरे कोचिंग सेंटर के मालिकों के, क्योंकि वहां पर जो रस्ते हैं वो उस तरह से नहीं बनाए जाते कोचिंग सेंटर में, जिसमें काफी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद बच्चे छात्र होते हैं, लेकिन उनके जो नियम है उनको पालन नहीं किया जाता। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से लगातार जो है छात्र यहाँ पर मौजूद है, और सबसे बड़ी बात है कि आपकी स्वाति मालीवाल भी यहाँ पर पहुंची हुई है, और यहाँ पर छात्र जो है उनके बीच जा रही है, वो किस तरह की घटना दुखद हुई है उसको लेकर कहीं ना कहीं वो भी यहाँ पर आई है उनको ढांढस बनाने के लिए। जी संजय बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और हादसे से केवल सीख ही नहीं लेनी होगी, अपने विजन को भी और पुख्ता करना होगा सिविक एजेंसियों को, कि हादसा हो गया, सीख ले ली, कार्रवाई हो गई, लेकिन इस तरह के हादसे हो ही ना, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा सिविक एजेंसियों को। देखिए मैं बता दूं, इस हादसे से सबक लेने की बहुत जरूरत है। आप जैसे ही स्वाति मालीवाल वहां पहुंची, आप देखिए स्टूडेंट जो है वहां लगातार नारेबाजी फिर से एक बार शुरू कर दी है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि वहां पर किस तरह से नारेबाजी की जा रही है, क्योंकि स्वाति मालीवाल इन छात्रों के बीच पहुंची हुई है, इनकी समस्या को सुन, क्योंकि जिस तरह से की घटना हुई है उसको लेकर यहाँ पर पहुंची, तो आप देख सकते हैं छात्र यहाँ पर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं प्रशासन के खिलाफ, और उनका साफ कहना है कि इसके पीछे दिल्ली सरकार और कहीं ना कहीं एमसीडी जिम्मेदार है, क्योंकि अब संजय लॉटरी में आपके पास आप बने रहिए हमारे साथ, एक बार ये तस्वीरें हम दिखा देते हैं अपने दर्शकों को, जरा सामने आ रही है वहां पर स्वाति मालीवाल राज्यसभा सांसद पहुंची हुई है, छात्र वहां पर नारेबाजी कर रहे हैं, अपना गुस्सा अपना रोष प्रकट कर रहे हैं, और स्वाति मालीवाल जो आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद है वो उन छात्रों के बीच में पहुंची हुई है। इस देखिए पूरे मामले को लेकर उनसे बातचीत करने के लिए स्वाति मालीवाल वहां पहुंची हुई है, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन नाराजगी जो है छात्रों की वो वाजिब है एकदम, जो इन तस्वीरों में भी नजर आ रही है, काफी ज्यादा अपना रोष व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं छात्र, और स्वाति मालीवाल देखिए उनसे बातचीत करते, ये बार बार छात्रों की तरफ से कहा जा रहा है कि जो जिम्मेदार है उस जिम्मेदार पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, एक बार सुन लीजिए जरा। हालांकि पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है और वो बार बार छात्रों से शांत रहने की अपील कर रहा है, लेकिन देखिए ये जो नाराजगी है छात्रों की वहां पर वो बिल्कुल वाजिब नाराजगी है, क्योंकि ये छात्र भी उन स्टूडेंट्स की जगह हो सकते थे, कई लेवल पर यहाँ लापरवाही, कई लेवल्स पर नेग्लिजेंस देखने को मिला है, फिर चाहे वो ड्रेनेज सिस्टम को लेकर काम ना किया गया हो, या ड्रेनेज सिस्टम फटा हो, वो मेंटेनेंस प्रॉपर्ली नहीं हुई हो वो मैटर हो, या फिर वाटर लॉकिंग हो रही है वो मैटर हो, कोचिंग सेंटर में दो एग्जिट गेट्स नहीं थे वो मैटर हो, तो कई लेवल पर यहाँ पर बताया गया
जो यहाँ स्टूडेंट्स भी है उनकी तरफ से अपनी प्रॉब्लम शेयर की गई है। बताया गया है कि समस्या नई नहीं है, बार बार शिकायत की जाती है लेकिन किसी का ध्यान नहीं जाता है। हालांकि देखिए स्वाति मालीवाल वहां पर मौजूद है और वो छात्रों से बात करने की कोशिश कर रही है, उनको जरा शांत करके उनको ढांढस बंधाने की कोशिश यहाँ पर कर रही है, लेकिन जो नाराजगी है इन युवाओं की वो नाराजगी ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही है। क्योंकि आधिकारिक तौर पर हालांकि पुष्टि अभी इतनी ही हुई हो कि तीन जिनमें से दो छात्राएं एक छात्र की मौत हो गई है, लेकिन वहां पर जो मौजूद स्टूडेंट्स थे उनकी तरफ से दावा किया जा रहा था कि उनको जो जानकारियां मिल रही है यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। और वहां सुबह से ही, इवन सुबह से नहीं, कल रात से ही छात्राओं की तरफ से ये रोष व्यक्त किया जा रहा है और बार बार उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो जिम्मेदार व्यक्ति है, जो जिम्मेदार है, उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। राजधानी दिल्ली में बीते शाम 20 से 25 मिनट की बारिश के अंदर ही दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित कोचिंग सेंटर है, आपको पहले तस्वीरें दिखाएंगे, राउज आईएएस स्टडी सर्कल इधर ही बेसमेंट में इतना ज्यादा पानी भर गया कि उसमें तीन बच्चों की मौत हो गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर ओल्ड राजेंद्र नगर में दिल्ली का ये जो कोचिंग सेंटर है वो बना हुआ है। जिस समय बारिश हुई 20 से 25 मिनट सिर्फ बारिश हुई होगी, जिसके बाद से बेसमेंट में इतना पानी भर गया कि तीन बच्चे वहां पर डूब गए। कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो काफी ज्यादा खराब था, इसकी वजह से ये जो दुर्घटना है वो सामने आई है। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर ड्रेनेज का जो पाइप है वो फट गया था, जिसके बाद से इस तरीके की घटना हुई है। हालांकि आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पूरे कोचिंग सेंटर को बैरिकेड कर दिया गया है। दिल्ली फायर दमकल विभाग की जो पूरी टीम है वो यहाँ पर मौजूद है, फायर सर्विस की टीम है। 7 बजे का कॉल जो है वो गया था फायर सर्विस को, उसके बाद से यहाँ पर सभी लोग पहुंचे हैं। एक बड़ा सवाल उठता है एमसीडी के ड्रेनेज सिस्टम पर कि आखिर ऐसा क्या ड्रेनेज सिस्टम था कि 20 से 25 मिनट के बारिश के अंदर ही इस तरीके से ड्रेनेज जो सिस्टम है वो खराब हो जाती है और इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाती है, जहां कोचिंग सेंटर में मौजूद जो बच्चे यहाँ पढ़ाई करने के लिए आए हैं, आईएएस की ट्रेनिंग करने के लिए आए हैं, उन बच्चों की डूबकर मौत हो जाती है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं, उनसे भी चलकर बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बच्चों के अंदर भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। यहाँ से थोड़ी ही दूर में बैरिकेडिंग से उस तरफ जो बच्चे हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार वी वांट जस्टिस के नारे लगाए जा रहे हैं और बहुत सारे बच्चे हैं वो लगातार कह रहे हैं कि आखिर क्या वजह रही, आखिर ऐसी क्या थी वजह कि इसकी वजह से इस तरीके की दुर्घटना है वो सामने आई है। आप लोग भी उस समय यहीं पे थे? अच्छा, आपका नाम क्या है? आप देख सकते हैं इस वक्त जो बच्चे हैं वो बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है? डॉक्टर भूपेन चौरसिया हूँ, एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, कल रात से यहाँ पे हूँ। मैं सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ, 7 बजे एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पहुँच गई थी, उनको ये इन्फॉर्मेशन थी कि कुछ लोग जो है पानी में बेसमेंट में डूब गए हैं। उसके बाद यहाँ पे एनडीआरएफ दिल्ली पुलिस आ जाती है और आप ये समझिए कि सुबह 7 बजे तक ये पूरा जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चला और एनडीआरएफ की टीम 4 बजे गई है, डीसीपी खुद मौके पे मौजूद थे। यहाँ पे जो फॉल्ट है वो 3 लोगों का है। सबसे पहला फॉल्ट तो इसमें जो राव आईएएस स्टडी सर्कल के ऑनर हैं वेद गुप्ता, इनका है, क्यों, और दूसरा एमसीडी का है, क्योंकि एमसीडी ने जो परमिशन दी थी वो बेसमेंट की दी थी स्टिल्ट पार्किंग के साथ, बट बेसमेंट में आप लाइब्रेरी नहीं चला सकते थे, लाइब्रेरी संचालित हो रही थी और एक ही एग्जिट गेट था जो कि इल्लीगल है, और तीसरा दिल्ली सरकार का, क्योंकि दिल्ली सरकार कल दुर्गेश पाठक जो एमएलए हैं उनको यहाँ के लोगों ने, स्थायी निवासियों ने एक लेटर दिया था कि वाटर लॉगिंग की दिक्कत बहुत हो रही है, आप कुछ एक्शन लीजिए, बट उनने कोई एक्शन नहीं लिया। तो मैं जी न्यूज़ के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि आतिशी जी सिर्फ ट्वीट कर देती हैं कि एक्शन होना चाहिए, अरे ये 4 दिन पहले आपने देखा पटेल नगर में किस तरीके से नीलेश की डेथ हुई, उसका जिम्मेदार कौन? सर आप इस जब ये दुर्घटना हुई तो मौके पर आप मौजूद थे? नो, मैं यहाँ पे एक्चुअली 2 बजे आया, मैं अपने मेरे फ्रेंड्स ने इन्फॉर्म किया तो मैं तभी आया। सो आई सॉ दिस इंसिडेंट और तब से मतलब ये पानी निकाला ही जा रहा है, सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि मोर देन 7 डेड बॉडीज आर देयर इन दिस बिल्डिंग, और अभी पुलिस हमें 3 का नंबर दे रही है, सो दे आर इल इन्फॉर्मिंग अस, सो वी आर सीइंग ऑल। मतलब क्या कुछ, मतलब पहले भी यहाँ वाटर लॉगिंग की समस्या हुई थी? मैम पहले वाटर लॉगिंग तो नहीं हुआ था, बट पहले इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं, जस्ट डे बिफोर यस्टरडे पटेल नगर में सेम वाटर क्लॉगिंग ऐसे रोड पे हुई थी, देयर आर स्टूडेंट गॉट इलेक्ट्रोलाइटेड,
सो उसकी एक्सीडेंट हुई। पिछले साल ऐसे मुखर्जी नगर में फायर का इंसिडेंट हुआ था। सो ये दिन ब दिन होता जा रहा है एंड दीज आर ऑल द कॉज ऑफ पुअर प्लानिंग एंड पुअर अर्बनाइजेशन। और इस पर जितनी भी कंसर्न अथॉरिटीज हैं म्यूनिसिपैलिटी एंड ऑल वो मतलब एक नेग्लिजेंस दिखा रही हैं। सो कह रहे हैं कि बायोमेट्रिक खराब हो गई, लॉक लग गया बायोमेट्रिक में और उसके बाद आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट बायोमेट्रिक। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विपुल कुमार। नहीं मैं अदर कोचिंग में पढ़ता हूँ, पाजी रामेन रवि, इसमें नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन मैं नाइट में आई। अच्छा, तो क्या लोग कह रहे हैं कि जो बायोमेट्रिक सिस्टम है वो लॉक हो गया पानी भरने की वजह से? बायोमेट्रिक सिस्टम ओके, जब पानी गई तो पूरा इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो गया, इस कारण से बायोमेट्रिक बंद हो गई। और इस कारण से जो बच्चे अंदर फंसे थे वो अंदर रह गए, जो बाहर आ पाए तो बाहर आए। अंदर 40 बच्चे के लमसम थे, उसमें काफ़ी बच्चे के डेथ हुए और काफ़ी एडमिट हॉस्पिटल में। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ का जिम्मेदार एमसीडी वाले हैं और यहाँ का जो पॉलिटिकल पार्टी है यहाँ का आम आदमी पार्टी वो, और प्लस रात में हम लोग को सपोर्ट किया गया बंसूरी स्वराज एमपी जो है वो भी आए थे और एडीजी साहब भी आए थे, हम लोग को पुलिस की तरह, लेकिन हमको जस्टिस चाहिए। हाँ। हम देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर कोचिंग सेंटर के बाहर जितने भी बच्चे हैं वो वी वांट जस्टिस के नारे लगा रहे हैं, प्रदर्शन भी एक तरफ हो रहा है, आपको तस्वीरें दिखाएंगे। आप देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पर जो पढ़ने आए हैं ओल्ड राजेंद्र नगर में। आपको बता दें अमूमन जितने भी IAS की ट्रेनिंग सेंटर्स है वो होते हैं, बहुत सारे बच्चे अलग अलग देश के हिस्सों से यहाँ पर पहुँचते हैं। और उसके बाद हम आपको बता दें इस तरीके के हालात है, अभी भी आप देख सकते हैं सड़क पर बहुत सारा पानी आपको भरा हुआ नजर आ रहा होगा। वाटर लॉगिंग की समस्या को लेकर के यहाँ के जो बच्चे हैं वो बता रहे हैं कि कई बार उन्होंने लेटर लिखा यहाँ पर और उसको सौंपा है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी तरीके की सुनवाई जो है वो नहीं की गई है। फिलहाल आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहां राव IAS कोचिंग के खिलाफ और आम आदमी पार्टी और MCD के खिलाफ यहां पर बहुत सारे बच्चे जो है वो प्रदर्शन करने के लिए बैठे हुए हैं। नाराजगी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, बहुत सारे बच्चे आप देख सकते हैं, कम से कम 50 से 60 की संख्या में जितने बच्चे हैं वो यहाँ पर बैठे हैं, लगातार प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। और लगातार हम देख रहे हैं कि सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर अगर इस तरीके की घटना हुई है तो उसके पीछे का जिम्मेदार कौन है। वाटर लॉगिंग और ड्रेनेज सिस्टम का फेलियर कहीं ना कहीं इसमें देखा जा रहा है। अभी तक अगर आपको बता दें तो ऑफिशियली बताया गया है कि 3 बच्चों की मौत हो चुकी है, बाकी बच्चे RML हॉस्पिटल में भर्ती हैं और लगातार दमकल विभाग ने सुबह के 7 बजे तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कहीं ना कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर हालात देखने को मिल रही है, दिल्ली का ओल्ड राजेंद्र नगर है, यहाँ पर बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स होते हैं और इस तरीके की घटना ड्रेनेज पाइप की फेलियर सिस्टम की घटना और उसकी वजह से इतनी बड़ी जो दुर्घटना है वो हुई है कि यहाँ पर 3 बच्चों की मौत हो गई है। आपको बता दें पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि कोचिंग सेंटर्स में इस तरीके की घटना हुई है। पिछले साल मुखर्जी नगर में एक कोचिंग सेंटर में आग लग गई थी जिसके बाद खिड़की से कूद कर बहुत से बच्चों को अपनी जान बचानी पड़ी थी। बार बार इस तरीके की घटना हो रही है, अगर कहीं पर कोचिंग सेंटर बनता है तो उसके पास NOC होती है कि नहीं, वहां पर ड्रेनेज सिस्टम किस तरीके का होता है, लीगल तरीके से उस बिल्डिंग का निर्माण किया गया है या नहीं किया गया है, ये सब जानना किसकी जिम्मेदारी है। और लगातार अगर इस तरीके की घटना होती है तो इसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कौन लेगा? अनुष्का गर्ग, जी मीडिया, दिल्ली। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, देखिए वहां पे अभी किस तरह की स्थिति बनी हुई है। जो युवा हैं, जो छात्र छात्राएं हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं, उनका आक्रोश नजर आ रहा है और वो जाहिर भी कर रहे हैं उसे, और वो वाजिब भी है एक तरह से, क्योंकि 30 से 35 छात्र एक लाइब्रेरी के अंदर पढ़ाई कर रहे थे। आप इस बात को जरा समझिए, पढ़ाई करते हुए छात्रों का पानी में फंस जाना, बेसमेंट में पानी का भर जाना, जिस वजह से 3 बच्चों की मौत हो जाना, और ये तो ऑफिशियल आंकड़ा है जो अभी तक दिया गया है, भी इंतजार है बाकी के रियल आंकड़ों का। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कोचिंग सेंटर हादसे के लिए दिल्ली सरकार को इस बीच जिम्मेदार ठहराया है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि ये दुर्घटना नहीं है, ये हत्या है। दिल्ली सरकार के से सवाल किया है कि आखिर नालों की सफाई क्यों नहीं कराई गई। कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार की लापरवाही जिंदगी पर भारी पड़ गई है। दिल्ली के राजेंद्र नगर में कोचिंग हादसे पर बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने मौके का मुआयना किया और इस दौरान बांसुरी स्वराज ने स्थानीय विधायक दुर्गेश पाठक पर आरोप लगाया कि पिछले एक हफ्ते से शिकायत आ रही थी कि राजेंद्र नगर नाले में पानी ज्यादा हो गया, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। दिल्ली की मंत्री, कितने घंटे हो गए इस हादसे को हुए, अब तक हिम्मत नहीं जुटा पा रही है वहां जाने की, और कहती हैं जांच करेंगे। क्या जांच करेंगे आप?
आपको तो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। इस पूरे तंत्र में, इस पूरे भ्रष्टाचार के खेल में आप लोग शामिल हैं। क्यों आपके स्थानीय विधायक ने वो नालों की सफाई नहीं कराई? लगातार पिछले 10 दिन से वहां की स्थानीय जनता कह रही थी कि नालों की सफाई कराइए, नालों की सफाई कराइए। 1 घंटे की बारिश में इतनी बड़ी बेसमेंट में पानी घुस जाता है। पूरी दिल्ली को बर्बाद करने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है। और जो जो भ्रष्ट अफसर, जो जो तंत्र इसमें शामिल है, सबको सूली पर लटका देना चाहिए। क्या कसूर है उन बच्चों का जो पूरी देश से पढ़ने के लिए दिल्ली आते हैं, ठूस दिया उनको भेड़ बकरियों की तरह कमरे में? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को।